और जब हम ट्रेड यूनियन को सशक्त कर लेंगे ये न्यूनतम वेतन को नष्ट कर देंगे, ठीक वही बात हो जाएगी कि पहले ट्रेड यूनियन ने न्यूनतम वेतन को सशक्त कराया, न्यूनतम वेतन को निरस्त करके हम ट्रेड यूनियन सशक्त कर रहे हैं और ट्रेड यूनियन सशक्त होने क्या कर रहा है न्यूनतम वेतन की मांग कर रहा है। ये तो बिल्कुल वही हमारा बड़ा साफ सुथरा हो जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि जो यूनियन सरकार के रूप में बात कर रहे हैं वो कैसा राष्ट्र है। रॉबर्ट हेल शब्दों में कहा जाए तो रॉबर्ट हेल ने बताया था कि ये बहुलवादी लोकतंत्र है। बहुलवादी लोकतंत्र क्या होता है, जो समाज में बहुत से दबाव समूह होते हैं उनके बीच मध्यस्थता करता है, उसको उद्योगशीलों के बीच ध्यान देना है, नियोक्ताओं का ध्यान देना है और जो नियुक्त लोग उनका ध्यान देना है। उसको इस बात सुनिश्चित करना है कि हम अपने समाज में शांति बना कर सके। हमारे प्रतिपक्ष को ये बोलता है कि हम विश्व में शांति बनाना चाहते हैं और हम एक उदाहरण सेट करना चाहते हैं, उदाहरण रखना चाहते हैं। अभी मेरे कुछ प्रतिपक्ष साथी ये बोल रहे थे कि जो न्यूनतम वेतन है वो पत्थर की लकीर है, वो हम चेंज हो जाएंगे, पर संदर्भ में साफ साफ दिखाई वो प्रति घंटा जो पहले दर थी वो $7.25 थी, उसके बाद बढ़ के $15 हो गई। इसका मतलब ये कि हम न्यूनतम वेतन को बढ़ा सकते हैं और न्यूनतम वेतन बढ़ेगा तो अपने आप जो है व्यक्ति या जो मजदूर है जो कार्य कर रहा है उसकी सुविधाएं बढ़ेगी। साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो नॉर्डिक देशों से तुलना की गई है, नॉर्डिक देशों से तुलना करके हम ये स्थापित नहीं कर सकते जैसा वहां हो गया वैसा यहाँ अमेरिका में हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की परिस्थितियां बिल्कुल अलग सी है। अमेरिका में एक बहुत पूंजीवादी देश है जबकि वो जो है एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। पूंजीवादी राष्ट्र में ऐसी भावनाएं होनी चाहिए, ऐसी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो देश को विश्व को पूरी पथ प्रदर्शित कर रहा है और पथ प्रदर्शित करने के रास्ते में उसके पास ये भी अवसर है कि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन होंगे। अगर ट्रेड यूनियन सशक्त हो जाएगा तो विरोध प्रदर्शन करेगा और विरोध प्रदर्शन करने से क्या होगा कि वो जो 70 सालों तक कोल्ड वॉर में शीत युद्ध में अमेरिका जिस बात का संरक्षण किया है पक्षधर रहा है, अमेरिका उसका काट रहा है, यानी अमेरिका अपने ही स्व को निरस्त कर देगा और अमेरिका अपने अस्तित्व को देगा। इससे ये बात सिद्ध होती है कि हमें अमेरिका बने रहना है और अमेरिका बनकर विश्व को पथ प्रदर्शित करना है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूंगा कि अमेरिका के पास यह अवसर है कि वो विश्व को पथ दिखा रहा है और अगर अमेरिका न्यूनतम वेतन को खत्म कर देता है जो विकासशील राष्ट्र है वो भी इसको खत्म करने के लिए एक बाहर ढूंढ लेंगे उनके पास जैसे आज आ जाएंगे। उदाहरण के लिए भारत में जब मनरेगा आया तो मनरेगा के अंतर्गत कई सारे ऐसे मजदूरों को 100 दिन की मजदूरी मिलती है, खास न्यूनतम वेतन मिलता है, पर अगर तब न्यूनतम वेतन यहाँ खत्म कर दिया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे मजदूर होंगे जो गरीब लोग हैं उन लोग उससे कम दाम काम करने तैयार हो जाएंगे। ये तो वही बात होगी कि हम जो है ट्रेड यूनियन को सशक्त कर रहे थे पर हमारे हाथ में कुछ पता ही नहीं है। ट्रेड यूनियन सशक्त करेगा क्या, ट्रेड यूनियन जो सशक्त हो जाएगा तो वो केवल एक झुंझुना रहेगा जो व्यक्ति बजा सकता है पर कानून द्वारा कोई समर्थन प्राप्त नहीं होगा। जब कानून द्वारा समर्थन ही प्राप्त नहीं होगा तो फिर ट्रेड यूनियन सशक्त क्या करेगा, उसके पास बस जो है एक बात कहने की होगी बाकी अधिकार नहीं होंगे, अमेरिका जो राज्य वो मानेगा क्योंकि कानून में उस पर अप्लाई होगा, कानून को उसकी बात माननी होगी। धन्यवाद।